हेलो एवरीवन, मैं बना रही हूँ आज पड़ोरा की सब्जी। तो सबसे पहले सारी सब्जियों को काट के रख लेंगे, लहसुन प्याज टमाटर और पड़ोरा। और मैं इसको लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी सरसों के तेल के साथ। साथ ही साथ मैं आज रोटी भी बनाऊंगी रागी की, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। तो सबसे पहले सब्जियाँ काट लिया मैंने, फिर उसमें मैंने कढ़ाई रखी लोहे की, उसमें तेल डाला सरसों का, उसमें मेथी और जीरा डाला मैंने और लहसुन। इसको मैं थोड़ा देर तक भूनूंगी, उसके बाद मैं इसे प्याज डालूंगी। जब प्याज भी थोड़ा भून जाएगा तो उसके बाद मैं इसे परोड़ा डाल के मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाऊंगी। बारिश की सब्जी है तो इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ता है, हरी सब्जी है। और इसमें हल्दी और नमक डाल के ढककर मैं पकाऊंगी। साथ ही साथ मैं आटा गूंद रही हूँ रागी का गर्म पानी से। और इधर मैंने सब्जी में टमाटर भी डाल दिया, सब्जी ऑलमोस्ट रेडी होने की कगार में आ गई। बस आटे को थोड़ा सा मसल मसल के बनाऊंगी। सब्जी में धनी पत्ती डाल के गैस बंद करके मैंने साइड में कर दिया। मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। वैसे तो इसको कोके बनाते हैं पर मैं बेल के बना रही हूँ हल्के हाथों से। गेहूं का आटा मिक्स किया मैंने आटे में, जिससे बेलने में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहाँ पे रोटी में ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, जिससे कि रोटी का टेस्ट कोई रोटी जैसे आएगा। और ये बहुत ही हेल्दी फूड है, इसको खाएं खिलाएं और स्वस्थ रहें। मेरा वीडियो अगर पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।